वेलकम बैक फ्री में जानो। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। वीडियो की शुरुआत की जाए उससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि आसमान में फिर से छाएंगे काले बादल, इन राज्यों में होगी जमकर मूसलाधार बारिश। अब अक्टूबर शुरू हो गया है। अक्टूबर महीने में परिवर्तन के लिहाज से ये महीना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसी महीने में मौसम विदाई का काम शुरू करेगा। अब तक देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई हो गई है, इसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान भी शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों में देर रात मामूली बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच IMD ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। जानिए कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम। IMD की माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने की उम्मीद है। 4 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश होगी। गाज़ियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री रहेगा। गाज़ियाबाद में बादल छाए रहेंगे, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी। उड़ीसा, झारखंड, बिहार में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम, उत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश होगी। IMD ने उड़ीसा में 1 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों की बात कही है। बादल छाए रहने की उम्मीद भुवनेश्वर में है। 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम में, केरल, लक्षद्वीप, हिमालय, गुजरात, MP में भी एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम में मध्यम और भारी बारिश भी दर्ज की जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हिमालय, गुजरात और MP में भी भारी बारिश की संभावना 24 घंटे के दौरान जताई गई है। तो यह समाचार, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।